सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम खेल रहे कस्टम मैच 2 vs 2 और हमारे साथ खेल रहे पासु भाई जो कि बहुत ही खतरनाक खेलते हैं, और उन लोगों के साथ है अनुज भाई और अंकिता। तो गाइस यहाँ पर सीन क्या हो गया, अंकिता का नेटवर्क चला गया कि क्या हो गया, लेकिन अंकिता निकल गई है यहाँ से और अनुज भाई अकेले पड़ गए। तो हमने सोचा भाई अगर दोनों मिलकर मारेंगे तो यहाँ पर गलत सीन हो जाएगा, तो इसीलिए बासु भाई ने बोला भाई तुम यहीं पर रुको, मैं उसको मार के आता हूँ, तब तक तुम इमोट दिखाओ, जो करो मतलब चाय नाश्ता करो, कोई परवाह नहीं है, मैं मार के आ जाऊँगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुम मार लोगे तो कोई बात ही नहीं है, और आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूँ अनुज भाई जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक खेलते हैं, आप लोगों को पता ही है, तो आप लोग यहीं पर देख लेना कितना खतरनाक खेलते हैं। तो यहाँ पर बासु भाई जो है जा चुका है और मैं कतई इमोट दिखा रहा हूँ चिमकांडी की तरह। तो बासु भाई क्या लगता है आपको मार पाएंगे इस राउंड में, तो गाइज कमेंट करके बता दो। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास वाले बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दो, इससे क्या अगर हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारी वीडियो देख पाओगे। तो गाइज इतना काम फटाक से कर दो। तो गाइज मैंने जो पिछले वाला वीडियो डाला था उसमें बोला था कि बास मतलब अनुज भाई अकेले थे, हम दो बंदे थे, तो इसीलिए हमारे मुझको अनुज भाई के साथ वर्सेस करना पड़ा था। तो यहाँ पर कतई चिमकांडी की तरह मैं इमोट दिखाई पे दिखाई जा रहा हूँ, और बासु भाई कतई ख़त्म ही नहीं कर रहे भाई, क्या चिमकांडी लौंडा है, कतई पीछे पड़ चुका है, और उस साइड में है अनुज भाई, इस साइड में है बासु भाई, दोनों का खतरनाक वे में फाइट चल रहा है। अभी बासु भाई भी खतरनाक ग्लूआ लगा रहे, अनुज भाई भी खतरनाक, आप लोगों को पता है अनुज भाई जो है ज़्यादातर कस्टम खेलते हैं, इसीलिए ये अनुज भाई जो है कस्टम में हराना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और हम लोग तो कस्टम नहीं खेलते, रैंक खेलते, क्लासिक खेलते। और यहाँ पर देखो बासु भाई को ख़त्म कर दिया था, और बासु भाई मुझे बोल रहे भाई उसको हील कर लेने दो उसके बाद तुम मारना। तो मैंने कहा चलो ठीक है हील कर लेने दो उसको, तो अभी मैं नहीं मारूंगा। तो क्या सीन हो गया देखो, यहाँ पर अगर मैं नहीं मारूंगा ये बंदा उछल उछल के आ रहा है भाई, चुपचाप से हील कर ले, मैं इसको मारने जाऊँगा तब ना भाई चीटिंग होगा, लेकिन ये समझने को तैयारी नहीं है भाई, ग्लूवाल पे ग्लूवाल ग्लूवाल पे ग्लूवाल, और नीचे चला गया बंदा। तभी यहाँ पर भी चांस देना चाह रहा था, लेकिन भाई अगर चांस देता यहाँ पर तो मैं जॉन से मर जाता, कतई अगर बंदा नीचे चला गया आप ऊपर से जंप करोगे तो भाई आपको हेडशॉट आसानी से पड़ सकता है, तो इसीलिए थोड़ा रिस्क हो गया यहाँ पर, और मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। और मेरे पास है M10, और बंदा देख रहे हो क्या ग्लूवा लगा रहा है भाई, एक गोली में मर जाएगा, तो भाई इसने हील भी नहीं किया था तो एक गोली में ये तो मर गया। और मैंने कतई चिमकांडी की तरह इमोट दिखा दिया, ये गलत बात है भाई, इमोट नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि यार आपको पता है अगर कोई बंदा आपको नॉक कर देता है या ख़त्म करता है उस टाइम भी इमोट दिखाया तो भाई क्या ही गुस्सा आता है यार, मुझे तो बहुत जाता है जाता ही आता है, आपको आता है कि नहीं हमें कमेंट करके बताना। और यहाँ पर मैं चढ़ चुका हूँ और बासु भाई को मैंने भेज दिया है, बासु भाई मार के आओ, तब तक मैं इमोट दिखा लेता हूँ, थोड़ा बहुत इमोट है उसको दिखा लेता हूँ। तो अभी बासु भाई उसका फाइट चल चुका है वहाँ पर, और बासु भाई का हेल्थ देख सकते हो पूरा ख़त्म कर दिया भाई अनुज भाई, मतलब पहले तो ठीक ठाक खेलते थे लेकिन अभी बहुत खतरनाक खेल रहे, क्योंकि भाई बासु भाई को टक्कर देना मतलब समझ रहे हो खतरनाक खेलना सीख गया है अनुज भाई भी। तो चलो अभी हमारा बासु भाई जीता है, अनुज भाई देखो बासु भाई ने हील कर लिया, पूरा लाइफ फुल कर लिया यहाँ पर। चलो कोई नहीं, अभी मुझे लगता है बासु भाई तो मार लेंगे, लेकिन क्या होता है सीन चलो देखते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा देर खड़े रहना ठीक भी नहीं, नहीं तो भाई अनुज भाई का गुस्सा आ गया तो उधर ही से मुझे हेडशॉट चिपका देंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अभी बासु भाई फिर से जा रहे हो ग्लूवाल लगाते हुए उछलते पुछलते, भाई कतई भगोड़े वाला कपड़ा लगा लिया है बासु भाई ने, और बासु भाई का हेल्थ फिर से खा लिया अनुज भाई ने। ओ भाई क्या कर रहे हो बासु भाई, ऐसे कौन खेलता है रे, बासु भाई नॉक हो गया। चलो कोई नहीं, अभी हमारा टर्न आ चुका है, गाइस क्या लगता है आपको हम मार पाएंगे अभी इस राउंड में मार पाएंगे? तो लगातार हमने 3 राउंड तो जीत लिया है, लेकिन ये मैच जो है थोड़ा बहुत चीटिंग है हम बोल सकते हो, क्योंकि भाई बंदा अकेला है हम फिर भी खेल रहे हैं उसके साथ, ये वीडियो में क्यों लेकर आया, तो वो मैच जो मैंने डाला था तो वो वर्सेस हमारे साथ क्यों हुआ अनुज भाई का, तो इसलिए मैं दिखाने के लिए ये मैच लेकर आ गया। और एक बात, और मेरे पास वीडियो भी नहीं था, और गाइस 2 दिनों से वीडियो नहीं आया था, वो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मतलब समझ सकते हो ना आजकल शादियों का सीज़न है, इसलिए एक भैया का शादी था उधर ही मुझे जाना पड़ गया, और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसलिए ये वीडियो आ गया। तो चलो यहाँ पर अनुज भाई आ गया, और भाई मेरा ग्लूवाल किधर लग रहा है भाई, कतई यार क्या बताऊँ, मतलब मुझे ग्लूवाल ठीक से लगाना नहीं आता, मैं कस्टम मैच ज़्यादातर नहीं खेलता हूँ, और यहाँ पर मुझे ख़त्म कर दिया भाई, अलग ही नशे में बंदे। तो चलो ये राउंड में भी बासु भाई को भेजते हैं, इसके बाद हम जाएंगे, फर्स्ट में हम जाएंगे, और बासु भाई को तुरंत ही नॉक कर दिया भाई, मुझे इमोट भी नहीं दिखाने दिया भाई, कतई यार किससे मारा बासु भाई को। यहाँ पर मैं हील कर देता हूँ, बंदा है किधर, मुझे ग्लूवाल लगाना चाहिए था, और भाई यहाँ पर डैमेज मिल गया मुझे थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने बासु भाई को रिवाइव कर लिया, यहाँ पर गोल बनाकर मैं थोड़ा सा मेडिकेट लगा लेता हूँ, नहीं तो मार देगा ये बहुत ही। अरे भाई बासु भाई को मार भी दिया,
तो चलो अभी मैं हील करके निकलता हूँ यहाँ से भाई, कतई डर लग रहा है इस बंदे से भाई। तो यहाँ पर मेरा मैंने पूरा एसपी फुल कर लिया है, अभी बाहर निकलते। बंदा किधर है? और भाई इधर ही है चिमकांडी। मेरा गोली नहीं लगा यार, एक शॉट भी नहीं लगा, लेकिन मेरा हेल्थ अभी ठीक ठाक है। और लोल भाई ये क्या मारा, हेडशॉट मार दिया क्या? और यहाँ पर मैंने बोल दिया बासु भाई को, बासु भाई तुम पीछे रहो न, मतलब तुम आना ही नहीं, मैं इसको मार लूँगा तभी तुम आना। क्योंकि भाई अगर क्या होता है, बासु भाई आगे जाते हैं तो मैं यहाँ पर फंस जाता हूँ। मतलब मुझे थोड़ा बहुत इजी वे में गेम को ले लेता हूँ, इसीलिए मैं मर जाता। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं जाऊँगा, तो मतलब पूरा क्या बोलते हैं सीरियसली मैं गेम को लूँगा, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में आ गया। यहाँ पर पूरा डैमेज पड़ गया और स्टार्टिंग में मैंने 2 हेडशॉट मार दिया था अनुज भाई को। चलो इसी के साथ अनुज भाई ख़त्म हो चुके। अभी दूसरा मैच शुरू। लगातार हमने 4 राउंड तो जीत लिया, लेकिन अनुज भाई ने भी अकेले 3 राउंड जीता है। क्या बताओ यार, अकेले, मतलब समझ सकते हो कितना खतरनाक बंदा है। चलो कोई नहीं, अभी हम ही जाएंगे आगे और बासु भाई को हम चाय नाश्ता के लिए भेज देंगे। वो नाश्ता वास्ता करके अगर मैं मर जाऊंगा तभी आएंगे पूरा पावर में, तभी मारेंगे। चलो देखते हैं मार पाते कि नहीं बंदे को। ओ भाई साहब, इतना दूर में तो सिर्फ MP40 3-3 का डैमेज देता है। हेड लग जा भाई, एक तो हेड चिपका दे। और भाई यहाँ पर देखो बंदा अचानक से निकल जाता है, मतलब परमानेंट कवर लेकर बैठ गया चिमकांडी और इधर आ गया। इधर मैंने ग्लोअल लगा दिया भाई। स्टार्टिंग में तो मजाक मजाक में गेम ले रहा था और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी ग्लोअल क्यों लगा रहा हूँ पता है? मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है भाई, मतलब ये डेजर्ट ईगल का जो है ना, अगर आपको वन टेप मारना आता तो भाई आपके साथ तो मतलब समझ सकते हो इतना डेंजर है। वन टेप में एक ही गोली में बंदा खत्म। तो इसलिए मुझे ये जो घूम रहा है ऐसे करके, तो मुझे लगता है ये वन टेप मारने के लिए घूम रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर देखो इधर से मैं जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बंदे ने मुझे देख लिया, इसलिए मैंने वहाँ पर दीवार लगा लिया। और अरे भाई, अरे यहाँ पर मुझे नॉक कर दिया भाई, कतई यार ये तो गलत बात है। और बासु भाई ने अटैक नहीं भाई, बासु भाई भी मर गए भाई, ये तो गलत सीन हो रहा है भाई, कते यार मारे भी मारे जा रहे, हम लोग पूरा नूब बना दिया हमको। चलो कोई नहीं, यहाँ पर राउंड हो चुका है 4, मतलब स्कोर हो चुका है 4-4, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। और यहाँ पर आगे आ चुके हैं हम, अभी हम मारेंगे भाई, कते यार हमारे साथ चिमकांडी गिरी। तो यहाँ पर बासु भाई जो अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं ही जा रहा हूँ। लेकिन एक बात बताया गाइस आपको, ये जो बासु भाई को देख रहे हो ये बासु भाई रियल वाला नहीं है, इसका बॉट आ चुका है बासु भाई के। अभी नेटवर्क गया और यहाँ पर सीन हो चुका है 1v1 का। तो गाइस 1v1 में कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है, मैं जीतूंगा या अनुज भाई जीतेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हो ये बॉट भाई कैसा मार रहा है, कहते चिमकांडी वाला बॉट है। यहाँ पर मैंने अनुज भाई को पूरा ख़त्म कर दिया। तो गाइस एक बात बोलना था, मतलब मेरा अभी सब्सक्राइब कितना हुआ, 182 हो गया भाई, 200 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हूँ गाइस। जल्दी से अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़ यार। मतलब इतना मेहनत कर करके वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई दिल से बुरा लगता है। और गाइस एक बात और, वीडियो में लाइक बिल्कुल ही नहीं आता है यार। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक करो, तभी तो मज़ा आएगा भाई। लाइक नहीं आएगा तो सोच रहे हो कैसा मज़ा आएगा, लाइक आएगा तभी ना मज़ा आएगा। कमेंट भी कर दिया करो भाई थोड़ा सा, कि भाई हाँ अच्छा है पूरा है, उससे मतलब होता है ना अच्छा लगता है फीलिंग। और यहाँ पर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, साला चिमकांडी ग्लूवाल लगा के बैठ जाता है यार, कतई इसका तो आदत ही ख़राब है भाई, जब देखो तब छुप जाता है। यहाँ पर मैंने ग्लूवाल लगा के ब्लॉक कर दिया है, तो अरे यहाँ से निकल लेता हूँ मैं पहले, एक और ग्लूवाल लगा दे। और भाई तोड़ दिया चिमकांडी ने, अभी निकलेगा किधर से ये। और बासु भाई इसके अंदर घुस के भाई बॉट को मार दिया भाई भाई भाई। चलो कोई नहीं, हमारा बॉट बासु भाई मर गए। और यहाँ पर ग्लूवाल छुड़ाने की कोशिश कर रहा है भाई, मतलब ये मैच जो है कतई मज़े में खेल रहा हो कि इसलिए, मतलब समझ रहे हो? तो देखो बॉट मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो डबल फार्मस लेकर दौड़ रहा था बंदा, जो कि गलत बात है। यहाँ पर स्कोर हो चुका है 5-4। तो गाइस इस राउंड में कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है गाइस? मतलब मैं ही जीतूंगा, ये तो फिक्स नहीं है। चलो देखते कौन जीते, वैसे जीतना तो मुझे ही चाहिए। और भाई यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दिया अनुज भाई को। तो गाइस चलो इसी के साथ हमने 6 राउंड तो लगातार जीत लिया है, अभी ये लास्ट राउंड हो सकता है कि बासु मतलब रिकी भाई मत, क्या भाई है भाई, अनुज भाई और गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्लूवाल लगा दिया है और बासु भाई कतई आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अबे बासु भाई को नहीं मारा यार चिमकांडी, बोट को मारना, मुझे क्यों मार रहा है, कतई अलग लेवल का चिमकांडी है भाई।
तो बासु भाई को ख़त्म करने ही नहीं है, मुझे मारना आ जाता है। देखो बासु भाई मतलब बासु भाई ख़त्म हो चुका है, अभी हम मेडिकेट ले लेते थोड़ा सा तब जाएंगे भाई, इसको छोड़ेंगे नहीं चिंकांडी हमारे साथ। भाई क्या ही सोच के हमारे साथ खेलने आए ये, मतलब ये कोई चैलेंजिंग मैच नहीं था, इसीलिए हम इतना मजाक मजाक में हम लोग खेल रहे थे। और यहाँ पर हेड शॉट के साथ चलो अनुज भाई ख़त्म। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।